नमस्कार स्वागत है आपका एडवांस स्पोकन इंग्लिश क्लास फोर्थ में वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस सीरीज़ के पहले जो तीन पार्ट आए हैं अगर उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले उनको देखें उसके बाद इस पार्ट में आए क्योंकि हमने जो स्ट्रक्चर बनाए हैं वो एक सीरियल क्रम में है और अगर आप इनको सीरियल क्रम में देखेंगे ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेंटेंस है मुझे ईमेल करनी थी हार्डवर्ड में मुझे के लिए के, के लिए लिए किया जाएगा ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है तो चलो सेंटेंस बनाते हैं आई वॉज टू सेंड एन ई मेल हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसे अपना आवेदन फॉर्म भरना था हार्डवर्ड उसे के लिए ही का यूज किया जाएगा अपना जब ही आया है तो अपना जो वर्ड आया है उसके लिए हम यूज करेंगे हिज आवेदन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म ए पी पी एल आई सी ए टी आई ओ एन एप्लीकेशन फॉर्म एफ ओ आर एम भरना भरने के लिए यूज किया जाता है एफ आई डबल एल यू पी फिल सेंटेंस बनाते हैं ही वॉज टू अप his application form जब भी हम इंग्लिश बना रहे होते हैं तो हमें हिंदी से वर्ड टू वर्ड बनाने की कोशिश नहीं करनी है नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं मेरे पिताजी को डॉक्टर के पास जाना था हार्ड वर्ड मेरे के लिए माय यूज किया जाएगा एम वाई माय पिताजी के लिए फादर एफ ए टी एच ई आर नेक्स्ट वर्ड है डॉक्टर डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक बोलते हैं सेंटेंस देखते हैं माय फादर वाज़ टू गो टू डॉक्टर नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे मेरी पत्नी को टेलीफोन करना था हार्डवर्ड पत्नी के लिए इंग्लिश में वाइफ वर्ड यूज करते हैं डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ वाइफ मीन्स पत्नी टेलीफोन को हिंदी में दूरभाष बोलते हैं मैंने यहाँ टेलीफोन ही लिखा है टेलीफोन की स्पेलिंग होगी टी ई एल ई पी एच ओ एन ई टेलीफोन इंग्लिश बनाते हैं आई वॉज टू टेलीफोन माई वाइफ नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं माताजी को खाना बनाना था हार्डवर्ड माताजी के लिए यूज करेंगे मदर एम ओ टी एच ई आर मदर खाना खाना के लिए यूज किया जाता है फूड एफ ओ ओ डी और बनाने के लिए यूज किया जाता है कुक सी ओ के कुक Cook मतलब बनाना इंग्लिश बनाते हैं माई मदर वॉज टू है। मुझे अपना project पूरा करना था हार्डवर्ड अपना अपने के लिए यहाँ यूज किया जाएगा माई क्यों क्योंकि मुझे आया है मुझे के लिए आई यूज किया जाता है और आई के साथ अगर अपना आता है तो उसके लिए माई यूज किया जाएगा एम वाई माई प्रोजेक्ट की जो स्पेलिंग है वो है पी आर ओ जे ई सी टी प्रोजेक्ट पूरा पूरा करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे बोलते हैं कंप्लीट सी ओ एम पी एल ई टी ई कंप्लीट मतलब पूरा करना चलो इंग्लिश बनाते हैं आई वॉज टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पिताजी को कार्यालय जाना था पिताजी पिताजी के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं फादर एफ ए टी एच ई आर फादर कार्यालय कार्यालय को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिस ओ डबल एफ आई ई या ओ एफ एफ आई सी ऑफिस ऑफिस मीन्स कार्यालय इंग्लिश बनाते हैं फादर टू टू गो ऑफिस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं मुझे आपको कुछ सूचना देनी थी हार्डवर्ड सूचना के लिए वर्ड यूज किया जाता है इन्फॉर्मेशन आई एन एफ ओ आर एम ए टी आई ओ एन इंफॉर्मेशन मतलब सूचना देनी देनी के लिए यूज किया जाता है गिव जी आई वीई गिव गिव यानी देनी या देना इंग्लिश बनाते हैं आई वॉज टू गिव यू सम इनफॉर्मेशन नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं सरिता को घर की सफाई करनी थी हार्डवर्ड देखते हैं घर घर के लिए यूज किया जाता है हाउस एस ओ यू एस ई हाउस सफाई सफाई के लिए यूज किया जाता है क्लीन सी एल ई ए एन क्लीन सेंटेंस बनाते हैं सरिता वॉज टू क्लीन हाउस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं मनीष को आज अजमेर जाना था हार्डवर्ड आज आज के लिए यूज किया जाता है टुडे टी ओ डी ए वाई टूडे टूडे मतलब आज इंग्लिश बनाते हैं मनीष वाल टू गो टू अजमेर टुडे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं निशा को आज यहाँ आना था हार्डवर्ड आज आज के लिए यूज किया जाता है टूडे टी ओ डी ए वाई यहाँ यहाँ के लिए यूज किया जाता है एच ई आर ई हेयर हेयर मतलब यहाँ इंग्लिश बनाते हैं वाज टू कम हेयर टूडे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं मेरे रिश्तेदारों को भी आज आगरा पहुंचना था हार्डवर्ड देखते हैं रिश्तेदारों रिश्तेदारों के लिए यूज किया जाता है रिलेटिव आर एल ए टी आई ई एस रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार पहुंचना पहुंचना के लिए यूज किया जाता है रीच आर सी एच रीच मतलब पहुंचना इंग्लिश बनाते हैं माई रिलेटिव एक और वर्ड है भी भी के लिए यूज किया जाता है आल्सो ए एल एस ओ आल्सो आल्सो मतलब भी हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे दादाजी को आज कुछ दवाइयां खरीदनी थी हार्ड वर्ड है दादाजी दादाजी के लिए यूज किया जाता है ग्रैंडफादर कुछ कुछ के लिए यूज किया जाता है सम एस ओ एम ई -E, सम दवाइयाँ दवाइयों के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है मेडिसिन एम ई डी आई सी आई एन ई सेंटेंस बनाते हैं माय ग्रैंडफादर वॉज टू बाय सम मेडिसिंस टुडे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं मेरी बहन को खाना बनाना था हार्ड वर्ड है बहन बहन के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है सिस्टर एस आई एस टी ई आर सिस्टर मतलब बहन बनाना बनाने के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है कुक सी ओ ओ कुक कुक मतलब बनाना या पकाना सेंटेंस बनाते हैं माय सिस्टर वॉज टू कुक फूड नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं मेरे दोस्तों को अपना काम पूरा करना था हार्डवर्ड देखते हैं दोस्तों के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है फ्रेंड्स एफ आर आई एन डी एस फ्रेंड्स अपना अपना के लिए यहाँ यूज किया जाएगा देयर टी एच ई आई आर देयर काम काम के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है वर्क डब्ल्यू ओ आर के वर्क पूरा करना पूरा करने के लिए यूज किया जाता है कंप्लीट सी ओ एम पी एल ई टी अब इसका सेंटेंस बनाते हैं माई फ्रेंड्स वर्ड टू कंप्लीट देयर टास्क और वर्क टास्क अगर काम के लिए यूज करते हैं उसकी स्पेलिंग होती है टी ए एस के टास्क टास्क यानी होता है काम हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हम सभी को शादी में जाना था हार्डवर्ड सभी सभी के लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है ऑल ए डबल एल ऑल शादी शादी के लिए यूज किया जाता है इंग्लिश में मैरिज एम ए डबल आर आई ए जी ई मैरिज जाना जाने के लिए यहाँ पे शादी में हम जा रहे हैं तो शादी अटेंड करने जा रहे हैं शादी में शामिल होने जा रहे हैं तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड आएगा अटेंड ए डबल टी ई एन डी अटेंड चलो सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में वी ऑल वर टू अटेंड मैरिज नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम्हें पत्र लिखना था हार्ड वर्ड है पत्र पत्र के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है लेटर एल ई टी टी आर लिखना लिखने के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है राइट डब्ल्यू आर आई टी राइट इंग्लिश बनाते हैं यू वर टू राइट लेटर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं मुझे बच्चों के लिए मिठाई लानी थी हार्ड वर्ड देखते हैं बच्चों बच्चों के लिए वर्ड यूज किया जाता है चिल्ड्रन सी एच आई एल डी आर -E एन चिल्ड्रन मीन्स बच्चे मिठाई मिठाई के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है स्वीट एस डब्ल्यू ई टी या एस ई टी लानी लानी के लिए वर्ड यूज किया जाएगा ब्रिंग बी आर आई एन जी ब्रिंग ब्रिंग यानी लानी या लाना सेंटेंस बनाते हैं आई वॉज टू ब्रिंग स्वीट्स फॉर चिल्ड्रन के लिए के लिए के जो वर्ड यूज किया है वो है फोर एफ ओ आर फोर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आपको बाजार से चीनी लानी थी हार्ड वर्ड देखते हैं बाजार बाजार के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है मार्केट एम ए आर के ई टी मार्केट यानी बाजार चीनी चीनी के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है शुगर एस यू जी ए आर शुगर मींस चीनी लाने के लिए या लाने के लिए वर्ड यूज करते हैं ब्रिंग बी आर आई एन जी ब्रिंग यानी लानी या लाना से से के लिए यूज किया जाता है फ्रॉम F R O M फ्रॉम चलो सेंटेंस बनाते हैं यू वर टू ब्रिंग शुगर फ्रॉम मार्केट आज हमने जो भी सेंटेंसेस देखे उनका स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होता है तो हम यूज करेंगे watch. और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लुरल होता है तो हम यूज करेंगे वर्ब इसके बाद हमें यूज करना है इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब के पहले जो मेन वर्ब आती है उससे पहले टू लगाना है मतलब हो गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आज जो भी सेंटेंस हमने सीखे वो सभी इसी स्ट्रक्चर से बनने वाले हैं तो सेंटेंस कई प्रकार के हैं लेकिन एक ही स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव भाव देता है नेगेटिव है तो आपको क्या करना है जो वाज और वर जो हमने लगाया उसके बाद में जो इन्फिनेटिव लगा रहे थे उससे पहले हमें नोट लगा देना है मतलब इन्फिनेटिव में क्या होता था हम टू प्लस वर्व की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे तो टू से पहले हमें नोट लगा देना है बस इतना ही बदलाव है और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर ये सब्जेक्ट से पहले उठ के चली जाएंगी और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा अब कुछ और सेंटेंस देखते हैं जिनसे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए तुम्हें ग्रह कार्य करना था हार्डवर्ड देखते हैं तुम्हें या तुम के लिए यूज किया जाता है इंग्लिश में यू वाई ओ यू यू मीन तुम या तुम्हें पूरा करना पूरा करना के लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है कंप्लीट सीओ एम पी एलई टी कंप्लीट मतलब पूरा करना ग्रह कार्य ग्रह कार्य के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाएगा होमवर्क एच ओ एम ई होम डब्ल्यू ओ आर के होमवर्क होमवर्क मतलब ग्रह कार्य सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में यू वर टू कंप्लीट होमवर्क नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं राधा को आज कपड़े धोने थे हार्डवेर देखते हैं कपड़े कपड़ों के लिए वर्ड यूज किया जाता है क्लॉथ सी एल ओ t h s cloths आज आज के लिए यूज किया जाएगा टुडे t o d a y टुडे धोने के लिए यूज किया जाता है वॉश w a s h वॉश मतलब धोना इसकी इंग्लिश बनाते हैं राधा वॉश टू वॉश क्लॉथ्स नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आज उसे कहीं नहीं जाना था इस प्रकार के सेंटेंस में नेगेटिव भाव हाँ आ रहा है नहीं आया है ना इसलिए कहीं के लिए वर्ड यूज किया जाएगा एनीवेयर a n वाई डब्ल्यू एच ई आर ई एनी उसे के लिए यहाँ यूज किया जा सकता है ही एच ई ही या एस एच ई -E सी इंग्लिश बनाते हैं ही वॉज नॉट टू गो एनी वेयर टूडे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमें योगा करना था हमें या हम के लिए वर्ड यूज किया जाएगा इंग्लिश में वी डब्ल्यू ई वी करना या करने के लिए यूज करेंगे डू डी ओ डू डू यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है योगा योगा की स्पेलिंग होगी वाई ओ जी इंग्लिश बनाते हैं देखते हैं क्या उसे स्कूल जाना था यहाँ हार्डवर्ड नहीं है सीधा सेंटेंस पे चलते हैं वो सी टू गो टू स्कूल नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं सुमित को देर रात तक पढ़ना था देर रात के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाएगा लेट नाइट एल ए लेट एन आई जी एस टी लेट नाइट मतलब देर रात पढ़ना पढ़ना के लिए यूज किया जाएगा रीड आर ई ए डी रीड मतलब पढ़ना इंग्लिश बनाते हैं सुमित वाज़ टू रीड लेट नाइट नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों को बाहर नहीं खेलना था बच्चे के लिए अगर सिंगुलर वर्ड आता है तो उसके लिए यूज किया जाता है चाइल्ड लेकिन के लिए वर्ड यूज करेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन -e बाहर के लिए वर्ड यूज किया जाएगा आउट साइड ओ यू टी आउट एस आई डी साइड आउटसाइड साइड मतलब बाहर इंग्लिश बनाते हैं चिल्ड्रन वर नॉट टू प्ले आउटसाइड नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं तुम्हें मोबाइल पर वीडियो गेम नहीं खेलना था मोबाइल स्पेलिंग है एम ओ बी आई एल ई मोबाइल पर पर के लिए वर्ड यूज किया जाएगा ऑन वीडियो गेम की स्पेलिंग है वी आई डी ओ वीडियो जी ए एम ई गेम वीडियो गेम चलो इंग्लिश बनाते हैं यू वर नॉट टू प्ले वीडियो गेम ऑन मोबाइल नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं किसी को भी नग्गे पांव नहीं दौड़ना था हार्डवर्ड देखते हैं ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें किसी के लिए यूज किया जाएगा नो वन एन ओ नो ओ एन ई नो वन नगे पाओ या नग्गे पैर के लिए यूज किया जाएगा बेरफूट बी ए आर ई बेर एफ ओ टी बैर फूट मतलब नगे पाओ इंग्लिश बनाते हैं नो वन वाज टू रन बेरफूट नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं प्रिया को अकेले शहर नहीं जाना था हार्डवर्ड देखते हैं शहर शहर के लिए वर्ड यूज किया जाएगा सिटी सी आई टी वाई सिटी मतलब शहर अकेले अकेले के लिए वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में अलोन ए एल ओ एन ई अलोन अलोन मतलब अकेले चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं प्रिया वाज नॉट टू गो टू सिटी अलोन जहां तक मैं समझता हूँ वीडियो को देखने के बाद में आपको काफी कुछ समझ में आया होगा इस प्रकार के सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं इसके लिए आप और ऐसे ही सेंटेंस ले सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस इसी प्रकार से कर सकते हैं इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो शेयर करें थैंक यू वेरी मच मिलेंगे नए वीडियो में नए स्ट्रक्चर के साथ क्लास फाइव में